विघ्नेश्वरावरदा सुप्रिया लंबोदरा सकला जगदिताय नागननाय स्मृति योग्य विस्तार परिस्ताय गणनाथ नमोनमस्ते। नारायण कवच। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगी सेना को खेल ही खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी का राजलक्ष्मी का उपभोग किया था, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रु पर विजय प्राप्त की थी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया था, तुम एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र भाई का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर के मुख बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयाधिक अंगिनास तथा अंगुष्ठाधि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अट्ठाक्षर मंत्र ओम का आठ अक्षरों का क्रमश ओम नमो भगवते वासुदेवाय पहले घुटने जांघ पेट हृदय चेष्टर मुख और सिर में न्यास करें, अथवा तो पूर्वोक्त मंत्र के महाकार से लेकर ओमकार पर्यंत आठ अक्षरों का शीर से आरंभ करके उन्हीं आठ अंगों में पीड़ित कम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवा इस द्वादश मंत्र के ओम आदि बारह अक्षरों का दाई तजनी से बाई तजनी के दोनों हाथों की आठ उंगलियों और दोनों अंगूठों के दो दो गांठों में न्यास करें। फिर ओम वैष्णव नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में और स का भौ के बीच में और न का चोटी में और वे का दोनों नेत्र और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मम अष्टाय फट कर दिगंबर करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को ही तदरूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हैं, अनिमादिक आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। आठों हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पास धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्ठास से सब दिशाएं गूंज उठी हैं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए हैं, वे ही दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों को पृथ्वी पर धारण करने वाले यज्ञमूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वत के शिखर पर और लक्ष्मण के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गंधर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्न से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर बंधन से मेरी रक्षा करें। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से हाय गिरी भगवान मार्ग में चलते हुए समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से और यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्प के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान कृष्ण द्वापायन व्यास जी अज्ञान से और तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमादों से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चर्च आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति से शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे
पर में भगवान मधुसूदन अपने प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमुखधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्री वाशलन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। सुदर्शन आपका आकार चक्र के रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग ग्रहकालीन अग्नि के समान अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र ही शीघ्र जला दीजिए। कौमद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया है और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांडक विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एव यातुदान प्रमत प्रेत मात्र का पिचास तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावाने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्रकार मंडल है। आप पापा दृष्टि पापात्माओं शत्रुओं की आंखें बंद कीजिए अर्थात तो उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह धूम केतु पुच्छल तारे आदि केतु दुष्ट मनुष्य सर्वाधिक रेंगने वाले जंतु दाढ़ों वाले हिंसक पशु भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों में जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी है वे सभी भगवान के नाम रूप और तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। रथंतर आदि सामवेदी स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और वृषभसेन जी अपने नामोच्चरण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि का नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्ति से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है सब वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा का एकता का अनुभव कर चुके हैं उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्ठास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। हे देवराज इंद्र मैंने तुमको नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्र से देख लेता है अथवा तो पैर से छू देता है वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा डाकू प्रेतास्तिक पिशाचादिक और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा हुआ था उसी के ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्रत अपनी स्त्रियों के साथ विमान में बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उन्हें आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वल्खिल मुनि ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाणी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके अपने लोक को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है अथवा तो जो आदरपूर्वक इसको धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। इस परीक्षित सत्रकृत इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णव विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुर को जीत लिया और त्रिलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपाध्याय देहतवे तात्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपाध्याय देहतवे तात्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपाध्याय देहतवे तात्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः इति।